पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नवरात्र के सातवें दिन मां कालरात्रि की उपासना से प्रतिकूल ग्रहों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं और जातक अग्नि जल जंतु शत्रु आदि के भय से मुक्त हो जाता है। मां कालरात्रि का स्वरूप भयानक होने के बावजूद भी वो शुभ फल देने वाली देवी है। मां कालरात्रि नकारात्मक तामसी और राक्षसी प्रवृत्तियों का विनाश कर भक्तों को दानव दैत्य भूत प्रेत आदि से अभय प्रदान करती है। मां का ये स्वरूप भक्तों को ज्ञान और वैराग्य प्रदान करता है। घने अंधेरे की तरह एकदम गहरे काले रंग वाली सिर के बाल बिखरे रखने वाली माता के तीन नेत्र हैं और इनके श्वास से अग्नि निकलती है। मनोकामना श्री हनुमान मंदिर रेलवे कॉलोनी मुरादाबाद में भी नवरात्रों के पावन पर्व पर पुरोहित श्री हरिदत्त शास्त्री ने हवन और पूजन संपन्न कराया, जिसके मुख्य यजमान मनोज धवन और अजय गुप्ता संयुक्त रूप से सहपरिवार रहे। तो वहीं शाम के समय महिला संकीर्तन का आयोजन हुआ और 7 बजे प्रसाद का वितरण किया गया। धार्मिक आयोजन में विपिन कुमार शुक्ला, सुभाष मल्होत्रा, बिल्लू कत्याल, संजय त्यागी, महेंद्र कुमार, रतन कुमार शर्मा, प्रणव कुमार गुप्ता, महेंद्र सिंह, बीपी सिंह निगम, राजेंद्र कुमार, रमेश कपूर, नितिन गुप्ता, अनु अग्रवाल आदि का विशेष सहयोग रहा। Ramadan Malala
तैयारी है कि इस साल सन 2080 में आशून्य महीने के जो शारदीय नवरात्रे हैं, ये नवरात्रे निरंतर लगातार हैं। प्रतिपदा से लेकर नवमी तक कोई तिथि घटबड़ नहीं है, ना कम है ना बेसी है, सब अपनी अपनी जगह पड़वा से लेकर के नवमी तक अपने स्थान पर विराजमान हैं। आज सप्तमी हो गई और कल महाअष्टमी है और परसों है नवमी, सोमवार के दिन महानवमी होगा, उस दिन मनोकामना मंदिर में हवन रहेगा 10 से 12 तक, उसके बाद विशाल भंडारा का आयोजन है। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।